मेन हमारी एंट्रेंस है। अभी बाहर थोड़ा मिट्टी मिट्टी है क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ, हमने पूजा करवा ली है। और ये एंट्रेंस डोर है, एंट्रेंस से ही हमारी, अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे ड्राइंग रूम है। कर्टन लग चुके हैं, मंदिर सज चुका है अच्छे से, और ये पूरा ड्राइंग रूम का व्यू है। ये डाइनिंग टेबल है और ये योगेश का फेवरेट बार, और ये बार के ऊपर लाइट। अभी यहाँ हमने सेट नहीं किया, अभी करना है सेट। ये हमारा किचन है जो अभी पूरा सेट नहीं किया। ये हमारा बेडरूम है, इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें पेंडिंग है, जैसे डोर मैट। कल ये हमने कर्टन लगा दिए, ये हमने एक स्टोर टाइप का बना रखा है। अभी अलमीरा इसमें बनवानी है तो हमने कर्टन लगा दिया। ये हमारा विंडो है, यहाँ से पूरा व्यू है। और ये हमारी अलमीरा है यहाँ रखी, और ये सेकंड विंडो, ये भी पूरा व्यू के लिए रखा हुआ है कि व्यू बहुत अच्छा है। और ये हमारा बेड है, और इसके साथ ही सामने लेफ्ट साइड पर एक और विंडो है। सुबह से पूरी धूप, पूरा वैली व्यू इधर आता है, अच्छा लगता है मॉर्निंग का। और अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें पेंडिंग है, ये जिम बॉल भी घर से ले आए हम लोग। ये स्टेयर्स है, ये स्टेयर्स जा रही है छत पर, और ये यहाँ पर एक चिड़िया ने अपना मड हाउस बना दिया है जो हम इसे तोड़ नहीं सकते, मना किया है। यहाँ चिड़िया ने बच्चे भी दे दिए, आप अगर देखेंगे इसके अंदर नहीं दिखता ये। नज़दीक से दिखाते, ये देखिए इसने अंदर जाने के लिए भी एक होलो बना रखा है। ऐसे लग रहा है उधर प्लास्टर उखड़ा हुआ है, पर ये प्लास्टर नहीं उखड़ा हुआ, ये चिड़िया का घर है। और इसमें अंदर ची ची आवाज़ आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, मुझे लग रहा है उसने बच्चे दे चुकी है। और ये हमारा छत है जिसमें अभी हमें रूम्स सेट करने हैं। अभी कंस्ट्रक्शन साइट ही चल रही है, पूरी कंस्ट्रक्शन हो रही है, पर यहाँ का व्यू लाजवाब। ये है यहाँ का व्यू, और ये घंटी बस्ती है यहाँ पर, पंडित जी ने झंडी लगाई है, और ये जो बहुत प्यारी लगती है जो पूजा हो जाती है यहाँ, इसी तरह एक झंडी लगती है घंटी के साथ बांध के। और ये पूरा व्यू है, ये सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, रिटेनिंग वॉल पीछे बन चुकी है क्योंकि काफ़ी सारा पहाड़ भी नीचे आया था जब रिटेनिंग वॉल बन रही थी, नीचे गिर चुका है। अभी वहाँ सफाई होनी है, आप देख रहे होंगे ऊपर पहाड़, थोड़ा सा मिट्टी गिरी है, तो थोड़ी सी मिट्टी का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना हो रखा है। और ये पूरी रिटेनिंग वॉल के साथ, फिर ये पूरा नाली बन जाएगा, स्लोप एरिया जो सीधा नीचे जाएगा। तब तक योगेश को ज्वाइन कर लिया है, हम दोनों आ गए हैं साथ में, और ये योगेश रेडी होके आ गए, रेडी हो गया। और रोमा ने आपको सारा पूरा ब्रीफ कर ही दिया है, बाकी आगे का जैसा रोमा बताएगी। अभी मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे नहीं पता वो कहाँ तक ब्रीफ कर पाई है। ने ये बताया कि यहाँ पर हमारा छत है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ अभी यहाँ रूम की प्लानिंग चल रही है। अब फ्यूचर में क्या बनेगा वो बताते हैं, फ्यूचर का फ्यूचर में बताएंगे। यस, जब बन जाएगा तब वो ब्लॉग अलग से डालेंगे। दोस्तों आज का हमने आपको पूरे घर का टूर दे दिया, और बाकी जो भी आगे के प्लानिंग्स हैं हमारे वो अगले ब्लॉग्स में आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, वादियों के साथ, और आपको मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, शब खैर। और अगर आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगे, हमारा घर अच्छा लगे, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगेश भाटिया।